सुनिए। क्या हुआ शांति? एक मिनट। बोलो शांति। हमारे सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन दोनों ने अभी तक कुछ भी खाया नहीं, यहाँ तक एक फुट पानी भी नहीं पिया। हाँ। नहीं एक शब्द तक बोले। मैं भी यही सोच रहा था। चलो पूछते हैं। सुनिए सर, सुनिए आपसे ही। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? मद्रास से चलने के बाद अभी तक आप लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं। मेरे पास थोड़ा ब्रेड और जैम है, अगर ऐतराज ना हो तो आपको दूं? अरे पूछती क्या हो शांति, निकाल कर दो ना। नहीं बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। तकल्लुफ न कीजिए, खा लीजिए, इस उम्र में भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी बेटी देती तो क्या आप ना खाते? मुझे अपनी बेटी समझ कर ही। बेटी, मन की भावनाओं का झरना क्या सूखा कि हमें पेट की भी सुध-बुध ना रही। तुम दोनों इतने प्यार से जो हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद, मगर अभी हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। हमसे उम्र में बुजुर्ग आप लोग इस तरह भूखे बैठे रहे, हम आपके सामने बैठकर खाने के लिए पत्थर का कलेजा कहाँ से लाई? अब हमारा भी खाने का मन नहीं है, हम भी नहीं खाएंगे। अच्छा बेटी, दे दो, तुम दोनों की खुशी के लिए खा लेंगे। लगता है आप मन में अपार दुख दबाए बैठे हैं। कहते हैं कि दुख कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अगर आप कहना चाहें तो कहें, अगर कहने से मन की वेदना बढ़ती है तो हरगिज न कहिए। इतने प्यार और अपनत्व से पूछ रहे हो तो तुमसे बताने में कोई बुराई नहीं, बल्कि मन का बोझ हल्का ही होगा। हमारे दो बेटे हैं। अरे क्यों अपनी कहानियां भी सबके सामने बयान करते हो? आखिर कब तक दुख को हम मन में दबा कर रख सकते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाल कुमार है, मगर प्यार से सभी मुझे बाला कहते हैं, और यह है मेरी पत्नी शांति। तुम्हारे जैसे हमारे भी दो बेटे हैं, कितने लाड़ प्यार से हमने उन्हें पाला, तुम इसका अंदाज नहीं लगा सकते। माँ मुझे नौकरी मिल गई। माँ वो B&B एक्सपोर्ट कंपनी में मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भर्ती होने का ऑर्डर आया है। माँ हे भगवान, तमाम मुसीबत से आकर तुमको पढ़ाया, आज वो सारी मेहनत सफल हुई, ये उस ईश्वर की कृपा दृष्टि है हम पर। मगर उसमें ये कंडीशन और है। अब और कौन सी कंडीशन है बेटा? मुझे जल्दी से जल्दी 20,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होगी। माँ हाय राम, 20,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? किसी न किसी से कर्ज लेना ही पड़ेगा। कर्ज किस लिए माँ? ए तुम चुपचाप कॉलेज जाओ, बड़े बूढ़ों की तरह बात करने आ गए। उस पर गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हारी तरह उसकी भी उम्र इस घर की स्थिति को समझने की हो गई है। अच्छा अगर ये बात है तो सुनो, मुझे नौकरी ज्वाइन करने के लिए 20,000 रुपए चाहिए, समझे? बस इतनी सी बात है, बोलो कब चाहिए? क्यों रे, तुझे 20,000 रुपए कहीं से मिलने वाले हैं जो इतने आसानी से कह रहा है? अरे माँ, भैया की नौकरी पक्की होने की खबर सुनते ही लड़की वाले 20,000 तो क्या, 50,000 देने के लिए कंपटीशन में भागे भागे आएंगे। देखा तुमने, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें किस लेवल पर तोल रहा है। खैर छोड़ो ये सब, GPF से 5,000 तो मिल ही जाएंगे, पर बाकी रुपए कहाँ से लाएंगे? मेरे पास एक जोड़ा कंगन है, और चाहे तो मेरा मंगलसूत्र भी बेचकर। लक्ष्मी, इसमें क्या हर्ज है, पीली डोरी का मंगलसूत्र पहनूंगी और बेटे के कमाने पर नया ले लूंगी। उस समय बेचा हुआ मंगलसूत्र आज तक नहीं खरीद सके। आपके बेटे को वो नौकरी मिल गई थी ना? वो तो मिल गई, उसके बाद मैनेजर का प्रमोशन भी मिला। पहले वो दिल्ली गया और बाद में मद्रास आने पर वहीं बस गया।
चाहे जितना अधिक स्केल उसे मिले, पर छोटे बेटे राघवन जैसा बड़ा दिल नहीं है उसका। छोटा बेटा तो अच्छा है ना? छोटा बेटा तो एकदम खरे सोना जैसा है, मगर उसकी ब्याहता पत्नी एकदम उल्टी स्वभाव की है। बड़ी बहू हमारी अच्छी है, पर बड़ा बेटा नहीं। क्यों लक्ष्मी, आज बड़ी देर लगा दी? किसी पार्टी के जुलूस निकलने के कारण ट्रैफिक जाम हो गया था, उसे पार कर पाना मुमकिन नहीं था। आप ये क्या कर रहे हैं? सोचा खाली बैठने से क्या फायदा, इसलिए जाले साफ कर रहा था। नहीं जी, आप क्यों इस तरह का काम करते हैं? घर की बहू क्लब की मीटिंग में बाहर चली गई है, तुम इस गर्मी में मुन्नी को लेने चली गई, तो क्या मैं जाले की सफाई भी नहीं कर सकता? आपसे किसने कहा है ये सब काम करने के लिए? आप खुद ही ये सब काम करते रहते, बाद में मेरे मीटिंग और क्लब को दोष देते हैं। इनके कहने का ये मतलब नहीं है नीला। मैं सब सुन रही थी। ए अरुणा, स्कूल से आने के बाद कपड़े बदलने की होश नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं दादाजी से ही कपड़े बदलवा लूंगी। आई बड़ी दादाजी की लाडली। नीला, दादाजी दादाजी, आज एग्जाम्स के मार्क्स मिल गए दादाजी। अच्छा, कौन सा रैंक मिला है? इस बार थर्ड रैंक ही मिला है दादाजी। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तुम फर्स्ट रैंक लाना। दाल बहुत अच्छी बनी थी, माँ के हाथ के खाने का स्वाद ही कुछ और है। मतलब ये कि मेरे हाथ का खाना ठीक नहीं? छीछी, कैसी बातें करती हो? हलवा अच्छा है कहने से क्या गुलाब जामुन खराब हो जाएगा? बस बस, अपनी सफाई अपने पास ही रखो। अब मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब तक जो तुम कहती रही हो उसी को तो सुनता हूँ, उसी पर चलता आ रहा हूँ। मजाक मत करो ना, मैं जो कह रही हूँ बहुत सीरियस विषय है। इधर आओ, आओ ना। अच्छा बोलो। अपने माता पिता को अपने बड़े भाई के यहाँ छोड़ाइए ना। तुम क्या कह रही हो नीला? नहीं समझे ना, तुम्हें जल्दी में समझ में आता क्या है? मंदवली में तुम्हारे भाई ने जो महल बना रखा है उन्हें वहाँ छोड़ाइए। क्या माँ बाप को उस कंजूस मक्कीचूस के पास छोड़ कर आने का कह रही हो? जरा सोच समझ कर बोलो नीला। मैं खूब सोच समझ कर बोल रही हूँ। वो कंजूस मक्कीचूस है और तुम बड़े दानवीर कर्ण हो। क्या वो उनके माँ बाप नहीं? जब तक दिल्ली में थे ठंड है सर्द का बहाना करते थे, अब क्या है? धीरे से बोलो भगवान। सुनो, इस बारे में टालम टोल नहीं चलेगी। मुझे भी चार पैसे बचाने हैं, मेरे भी दो बच्चे हैं। देखो, फिजूल के खर्च मैं नहीं कर सकती। नीला, माँ बाप को तुम फिजूल का खर्चा कह रही हो? मुझे तो यही लगता है। क्या है, क्या हुआ लक्ष्मी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कल को ये बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को फिजूल का खर्च न समझे। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? अभी सो जाइए, सारी बात कल सुबह बता दूंगी। अब सो जाइए। मेरी प्यारी बच्ची, चलो चलो स्कूल को चलो। चलो मम्मी को टाटा करो, मम्मी को बाय करो बेटी। हाय कामिनी, हाय मान्या।
वेरी गुड। अंकल, आप अरुणा और भरत को साथ नहीं लाए? दोनों स्कूल गए हैं, कल से छुट्टी है, तब लेकर आऊंगा। मैं भी स्कूल जा रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तुम्हारे लिए एक स्वीट तोहफा लेके आया हूँ, ये लो। अंकल को थैंक्स। अच्छा कामनी, तुम भी ले लो। मुझे एक पप्पी दे दो। पप्पी दे दो बेटा। पप्पी दो बेटा। गुड, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। माँ पिताजी सब ठीक तो है ना? सब ठीक है भाभी। भैया घर में है? हैं, अंदर आइए। आपके छोटे भाई आए हैं। आओ आओ। आज सुबह सुबह अचानक कैसे? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। सोच रहा था कि 3 महीने हुए तुम्हें यहां आकर गए हुए और अभी तक कोई समस्या नहीं खड़ी हुई। चलो अब आ गई। राघवन, तुम्हारे कहने के मुताबिक माताजी और पिताजी को साथ मैं नहीं रख सकता। हां, एक को छोड़ जाओ तो मैनेज कर लूंगा। क्या सोच रहे हो? कल आकर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूं। आपके भाई कहां गए? वो अपनी पत्नी से मंत्रणा करने गया है। मुझे वेणु से ऐसे जवाब की कतई आशा नहीं थी। मैं तो पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने उसका जवाब भी तैयार कर रखा है। कौन सा जवाब? जवाब यह है कि आपकी माँ यहाँ रह के मेरे काम में हाथ बटाएगी और बच्चों की देखभाल करेगी। आप चुपचाप अपने पिताजी को वहाँ छोड़ आइए। दवाई समय पर खाते रहिएगा। सुना आपने, काफी में चीनी मत लीजिएगा। ये क्या छोटे बच्चे है, ये इन्हें कुछ मालूम नहीं। मैं भी दादाजी के साथ जाऊंगी। मैं भी। बेटे, दादाजी के लंदन जा रहे हैं, ताऊ जी के घर ही तो जा रहे हैं। अक्सर मैं इधर आता रहूंगा, तुम लोग भी उधर आते जाते रहना। तुम दोनों अच्छी तरह पढ़कर खूब अच्छे मार्क्स लाना। पिताजी, ऑटो आ गया। अच्छा, मैं चलूं। अच्छा नीला, अच्छा लक्ष्मी। सुनकर बेहद दुख हो रहा है। ये दुख क्या है? असली दुख की शुरुआत तो अभी होगी। शुरू शुरू में लक्ष्मी और बच्चे आकर मुझे देख जाते थे, बल्कि मेरी छोटी बहू को पसंद नहीं था और वही हाल बड़े लड़के का भी था। इसलिए उन लोगों का आना जाना पहले हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार में बदल गया। उसके बाद कभी कभी बस राघवनी आकर देख जाता था। एक बार राघवन ने आकर बताया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैथिली, मैथिली माँ, कैसी हो मैथिली? मैं ठीक हूँ माँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, राघवन ने बताया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इनके साथ रहकर इनकी देखभाल और तुम्हारा हाथ बटाने आई हूँ। अब इनकी तबीयत कैसी है? माँ, पिताजी उस कमरे में नहीं है। आप एक मिनट इधर बैठिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अभी भी उनको बुखार है, ऐसी हालत में उन्हें शिफ्ट करना ठीक नहीं, मैंने कहा था। पर आप तो अपने बेटे की आदत जानती हैं, उनके कई गेस्ट आए हैं, वो उस कमरे में रुके हैं, इसलिए। ये है किस कमरे में? आउट हाउस में। सर्वेंट्स क्वार्टर को इज्जत से बुला रही हो बेचारी। अरे पगली, तुम्हारा मन मैं जानती हूँ, पर तुम कर ही क्या सकती हो।
मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। मैथिली, लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी, शायद बुखार की वजह से भ्रम हो गया था, मैं इसीलिए उठकर चला आया। जी नहीं, भ्रम नहीं है, मैं ही आई हूँ। राघवन ने बताया कि आपको बुखार है, चलिए आउट हाउस में ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, कम से कम मेरे लिए ही इधर ही बैठकर बातें करिए, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं मैथिली, वेणु आ जाएगा, उठपटांग बकेगा, तुम्हारे दुखी होने से हमें अधिक दुख होगा। नहीं पिताजी, उस कमरे में कोई गेस्ट आकर ठहरे हैं, उनके साथ ये भी बाहर गए हुए हैं, वापसी में देर होगी ऐसा कहा था, आइए ना। बैठिए बैठिए ना। और कब तक हमें इस तरह अलग अलग रहना होगा लक्ष्मी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। वेणु और राघवन मिलकर तय करेंगे कि दोनों साथ कुछ दिन इधर और कुछ दिन उधर रहेंगे। अरे अभी भी बुखार है, कौन सी दवाई खा रहे हैं आप? मैथिली का मन कुंदन जैसा है, पिताजी पिताजी कहकर प्यार से बोलती है, वही जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। पर हमारा बेटा उसके साथ गुलामों से भी बढ़कर व्यवहार करता है, बहू भी उससे डरती है, यहां थोड़े दिन के लिए भी हम साथ नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि वो कभी नहीं इसके लिए मानेगा। लक्ष्मी, उस घर में राघवन ऑफिस के काम से टूर पर गया है, आने में 20-25 दिन लगेंगे, उसके न होने पर हमारा उस घर में क्या काम, वहां हमारे लिए जगह ही कहां है। मेरा मन बहुत दुखी है, इसीलिए उधर आपको ले जाने की इच्छा नहीं। मैथिली को मैंने कभी बहू नहीं बल्कि हमेशा बेटी ही समझा है, इसीलिए दिल खोलकर कह रही हूं, घर की स्त्री यदि अच्छी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु राघवन के घर ऐसा नहीं है, उसके ऑफिस जाते ही घर नरक बन जाता है, उसकी बातें अब मैं और सहन नहीं कर सकती। वेणु आएगा तो मैं कहूंगा कि हम दोनों जब तक जिंदा है मैं तुम्हारी माँ के साथ यहीं रहूंगा, हमारे लिए आउट हाउस ही काफी है। हाँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है कि वो ये सब मानेंगे। इधर कल जो कुछ हुआ मैंने सोचा था कि आपकी तबीयत ठीक हो जाने पर ही आपको बताऊंगी, पर मेरा दुर्भाग्य कि मैं जो नहीं चाहती वो सब करना और कहना पड़ रहा है। तुम बेवजह क्यों बड़बड़ा रही हो? मैं पिताजी को मरघट तो नहीं भेज रहा हूँ, वृद्धाश्रम ही भेज रहा हूँ। हम सबके होते हुए क्या ये उचित होगा? कल जब यहाँ कॉकटेल पार्टी हो रही थी उस समय ये जंगली बूढ़ा, उसे जरा भी तमीज नहीं, मुझे घूर कर देखता हुआ जा रहा था, सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई कुछ पता है तुम्हें? छोटे भैया शहर में नहीं है, कैंप से आने के बाद कम से कम उनसे मिलकर बात तो कर लीजिए। तुम्हें आखिर समझ में क्यों नहीं आता मैथिली, वृद्धों को अपनी हम उम्र कंपनी चाहिए, यहां से ज्यादा वहां खुश रहेंगे, उनके वहां दाखिले का सारा इंतजाम हो गया है, बस तुम वहां जाकर उन्हें छोड़ाओ। अब इसके बाद तुम बहस करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वृद्धाश्रम में अकेले जाने का मेरा मन नहीं था, इसीलिए अपने से अधिक कष्ट सह रही लक्ष्मी को साथ ले आया। आश्रम का माहौल मुझे पसंद था। उस वृद्धाश्रम में सभी बेसहारा वृद्ध हैं, जो इस वृद्धावस्था में अनाथ हो गए हैं, दो दो जवान बेटों के होते हुए भी आपको यहाँ आना पड़ा, ऐसे सभी हमें हमदर्दी से पूछते थे। हमारा वहां रहना हमारे बच्चों की बदनामी का कारण न बने, ये सोचकर कैंप से आए राघवन के नाम एक पत्र छोड़कर हम दोनों वहां से चले आए। अब तो तुम हमारा दुख समझ गए ना बेटा?
इस तरह आपके चले आने से आपकी बड़ी बहू और छोटे बेटे को गहरा सदमा पहुंचा होगा ना? वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है। आप लोग बंबई में कहाँ ठहरेंगे और क्या करने का इरादा है? इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। हम बेसहारा लोगों का भगवान ही एक सहारा है, बस उसी के भरोसे पर जा रहे हैं। हम बंबई नहीं जा रहे हैं, हम तो पूना जा रहे हैं। वहाँ कुछ साल पहले हम रह चुके हैं। अगर किसी को आपकी सहायता चाहिए तो? हम बूढ़े किसके सहायक हो सकते हैं बेटा? क्यों अनाथों की सहायता नहीं कर सकते हैं आप? अनाथों की? मैं और शांति दोनों ही अनाथ आश्रम से पल बढ़कर आए हैं। बंबई में जिस अनाथ आश्रम को हम चला रहे हैं उसी में मेरी परवरिश हुई थी। हम लोग आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, बहुत कर सकते हैं। माँ बाप का प्यार क्या है हम जानते नहीं। हमारे और अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए माता पिता बनकर रहना ही सबसे बड़ी सहायता है। मेरे बेटे, हम केवल प्यार की इच्छा करते हैं और आपने हमें अपने निश्चल प्यार में बांध लिया। शायद यही ईश्वर की कृपा है। जिनके बच्चे नहीं होते वो बच्चे गोद ले लेते हैं। हमारे माता पिता नहीं है इसलिए हम आपको गोद लेना चाहते हैं, बस इतना ही बहुत है बेटा।